देख हैंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉली। आइए नजर डालते हैं झांसी की खास खबरों पर। शहर के सीपरी बाजार क्षेत्र में दो बदमाशों ने दिन दहाड़े घुसकर चाकू की नोक पर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। घटना की सूचना पर प्रभारी निरीक्षक सीपरी बाजार जेपी पाल मौके पर पहुंच गए और जांच शुरू कर दी। सेल्स टैक्स के वरिष्ठ अधिवक्ता विजय खन्ना अपने परिवार के साथ सीपरी बाजार के आदर्श नगर में रहते हैं। उनके पुत्र निमेश खन्ना पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। आज दोपहर लगभग 12:30 बजे घर में विजय खन्ना की पत्नी व बहू दीपिका घर में अकेली थी, तभी दो बदमाश अचानक उनके घर में घुस आए और किचन में काम कर रही बहू की गर्दन पर चाकू लगा दिया। बदमाशों ने चाकू के बल पर बहू की चेन व 4 कड़े उतरवा लिए और फरार हो गए। इस घटना से बेखबर सास को तब जानकारी हुई जब बदमाशों के भागते ही बहू ने चिल्लाकर उन्हें आवाज दी। बदमाशों की तस्वीर पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। संभावना है कि वह वही बदमाश है जिन्होंने कुछ दिन पहले मसीहागंज क्षेत्र में अकेली जा रही महिला के गले से चेन स्ट्रेचिंग की घटना को अंजाम दिया था। झांसी से मनीषली के साथ ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। दीपिका खन्ना, क्या हुआ? मैं डेली रूटीन जैसे काम करते हैं, मैं अपने घर में खाना बना रही थी, सब्जी वाला बाहर आया तो मैं सब्जी लेने के लिए एक बार बाहर गई, फिर दोबारा से पैकेट रख के दोबारा वाला दे रहा था। मुश्किल से 2 सेकंड का डिफरेंस, 3 सेकंड का होता है, तो मैं उससे सब्जी लेके वापस आके बस झोला रखा तो वो इस मेरे ड्राइंग रूम के गेट से मतलब सीधे दिखता है, तो वो जो भी था वो अंदर एंट्री करा नहीं करा पता नहीं, मतलब मैं घूमी तो वो बंदा मुझे चाकू दिखाया, उसने बोला जो पहने निकालो फटाक से, तो मैंने उसको निकाल के दोनों कड़े अपना जो भी चेन था वो दिया, तो वो दूसरा बंदा बीच में खड़ा था उसने बोला चलो चलो, तो वो उसने कहा चल, और वो लोग बैठे, जब तक मैं चीखती मम्मी मेरी ऊपर थी, वो नीचे उतर के आती तब तक तो वो लोग निकल चुके थे। आदर्श नगर सीपी बाजार। इसकी सूचना आपने पुलिस को करी? जी हाँ, पूरी पूरी सूचना है पुलिस को। अगर किसी का शक है आपको, अगर आपके घर के अंदर लूट हुई? नहीं, शक क्या, वो तो डेली रूटीन जैसे रहता है, अभी इतने सालों से ऐसा कोई शक तो किसी पे नहीं है, उस बंदे को मैंने कभी देखा भी नहीं है।